today I am going to discuss about the topic why effectively and how effectively in an organization. जब हम बात effectively की करते हैं तो हमारा हम वो चीज़ बताते हैं कि हम कितनी क्षमता दिखा रहे हैं अपने काम के प्रति. Organization, the word organization means संस्था जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं for achieving some goals, अपने targets को achieve करने के लिए. Organization, it is a place where individuals come together for achieving some goals. These goals are maybe profits, maximizing sale, maximizing production with less of wastage. Organization वही उसी को कहते हैं. और जब हम बात एक टीम की कर रहे हैं, obviously जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं उसमें एक टीम वर्क होना चाहिए. ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं एज अ ग्रुप. इट इज मे बी अ टीम. जब हम बात कर रहे हैं टीम वो होती है जिसको लीड एक टीम लीडर करता है. वर्क टीम मेंबर्स करते हैं और टीम लीडर का इट इज अ जॉब ऑफ टीम लीडर टू वर्क टूगेदर इन अ ग्रुप और फॉर अचीविंग सम गोल्स. दीज गोल्स आर आई एम ऑलरेडी आस्किंग यू दीज गोल्स आर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स. जब हम बात नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड टॉपिक व्हाई वर्क इन अ टीम. टीम एक ऐसी चीज है जिसके लिए जो गोल्स को अचीव करने के लिए काम करते हैं. लाइक जब कुछ लोग 10 लोग 15 लोग 20 लोग कम दे आर कमिंग टूगेदर इकट्ठा हो रहे हैं उनको एक टारगेट्स दिए जा रहे हैं उनको गोल्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं उनकी स्ट्रेटजीज प्लान की जा रही हैं फॉर अचीविंग द गोल्स. दीज गोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन रिलेट टू द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. जितने कंपनी एक कंपनी प्रॉफिट्स लेगी साथ ही में जितनी प्रॉफिट्स होंगे ऑब्वियसली मार्केटिंग में उतनी उनकी गुडविल इस्टेब्लिश होगी उतनी वो अपने प्रॉफिट्स में अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेंगे अपनी मनी को इंक्रीज करेंगे. वही टीम अपना बेस्ट रिपोर्ट्स देगी अपनी बेस्ट क्षमता देगी अपनी कंपनी के रिगार्डिंग अपने बेस्ट आइडियाज देगी बेस्ट स्किल देगी बेस्ट नॉलेज देगी बेस्ट एबिलिटीज देगी बेस्ट एटीट्यूड देगी बेस्ट एप्टीट्यूड देगी. तो ऑब्वियसली दे वर्क वेरी वेल दे गेन देयर हाई प्रॉफिट्स. नाउ देयर आर सम पॉइंट्स विच विल हेल्प यू टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज टीम एंड व्हाई टीम इज नेसेसरी इन एन ऑर्गेनाइजेशन. जब हम बात काम की कर रहे हैं तो वो काम इंडिविजुअली क्यों नहीं होना चाहिए और वर्क एज अ टीम क्यों होना चाहिए ये हम इन पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज बिल्ड रिलेशनशिप. जब हम बात रिलेशनशिप की करते हैं इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन. हम किसी से अपने दिल की बात कैसे कर रहे हैं हम अपने रिलेशनशिप बॉन्ड्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं हम अपने कम्युनिकेशन कैसे उनके साथ एनहैंस कर रहे हैं कैसे बात कर रहे हैं कैसा बिहेवियर उनके साथ क्रिएट कर रहे हैं. जब हम बात रिलेशनशिप बिल्ड रिलेशनशिप इन अ टीम बात टीम की करें तो हमें एज अ टीम हमें अपने टीम मेंबर्स के रिलेशनशिप विल मस्ट बी वेरी गुड मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद द टीम. व्हाई बिकॉज जब हम बात एक टीम की कर रहे हैं तो रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए. क्यों होने चाहिए क्योंकि हम अगर अपनी रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन करेंगे अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखेंगे अपने विचार सोच अपने कोलीग्स के साथ अपने अपने टीम मेंबर्स के साथ अच्छे डिस्कस कर सकेंगे तो हम अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे. रिलेशनशिप बिल्ड में हम ये भी बात कह सकते हैं कि जब हम बात एक रिलेशनशिप की कर रहे हैं तो हम उनसे एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करें उनकी पॉजिटिविटी अपनी पॉजिटिविटी से उनकी पॉजिटिविटी को मैच करें और अपने बीच में कोई नेगेटिव थॉट ना लाएं. पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी मच नेसेसरी इन अ टीम. जब तक हम बात रिलेशनशिप की कर रहे हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है अपनी टीम बिल्ड करने के लिए. हम अच्छे रिलेशनशिप बॉन्ड करेंगे तो अपने थॉट्स और फीलिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं. अदरवाइज वी विल नॉट डिस्कस आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स टू समवन. नेक्स्ट पॉइंट इज रिड्यूस स्ट्रेस. इट इज वेरी मच नेसेसरी इन अ टीम दैट व्हेन वी वर्क इन अ टीम वी मस्ट रिलीज आवर स्ट्रेस. बिकॉज जब हम बात स्ट्रेस रिलीज की कर रहे हैं जब हम इंडिविजुअली एक अपना टारगेट को अचीव करेंगे इट विल टेक टाइम इट विल टेक लॉट ऑफ स्ट्रेस टू अस. जब हम बात रिड्यूस स्ट्रेस की कर रहे हैं तो हम अगर एक टीम में वर्क करेंगे
क्योंकि जो हमें टाइम लिमिट सेट की गई है वो एक इंडिविजुअली हम वो टाइम लिमिट में अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, बट जब हम बात इंडिविजुअली की नहीं एक टीम की करते हैं हम अपने स्ट्रेस को रिलीज कर सकेंगे, हमारा टाइम ड्यूरेशन जो है वो बच जाएगा, हमें जो टारगेट्स दिए गए हैं हम अपनी स्किल्स और नॉलेज से और दूसरे की स्किल और नॉलेज हमारे टीम मेंबर्स की स्किल और नॉलेज से लेके अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं और स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं और अपना जो हमें टाइम पीरियड सेटअप किया गया है हमारे टारगेट्स अचीव करने के लिए वो टारगेट्स हम एक लिमिटेड टाइम में अचीव कर सकते हैं। नाउ द थर्ड स्टेप इज रेज मोरल। इट इज द ड्यूटी ऑफ द टीम लीडर कि हम अपने टीम के मोरल्स को रेज करें। एवरीवन हैव द कैपेबिलिटी, एवरीवन हैव द स्किल्स, क्योंकि हर किसी ने अपने इंटरव्यूज क्लियर किए होते हैं, इंटरव्यू में कुछ तो ऐसा दिखा होगा हमारे सीनियर्स को कि वो हमें अपने अचीव हमें अपने कैपेबिलिटीज को समझ सके, बट एवरीवन हैव द कैपेबिलिटी बट वो अपनी कैपेबिलिटीज शो नहीं कर पाता, बट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द टीम लीडर कि वो कैपेबिलिटीज आपकी निखार के लाए और आपको पॉलिश कर पाए, आपके स्किल्स को